अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आज का प्रोग्राम जिस तरह पहला कॉल आई सी के मैन हेल्थ वास्ते सुनाइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक यार, कोई वो आपसे बात करना था मुझे। जी जी जरूर। वो आजकल थोड़ा वो सेक्स का थोड़ा इशू हो रहा है, थोड़ा जी क्या मतलब क्या थोड़ा जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। ओके ओके, तो इसके लिए कोई है आपका पास कोई सोल्यूशन है? जी क्या है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी एज कितनी है अभी? 47 चल रहा है यार। अच्छा 47। और हाइट वेट नॉर्मल है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, हाइट 5'4" है। ओके ओके ठीक है। और उसके अलावा आपको कोई डायबिटीज या हाइपरटेंशन या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम? नहीं, डायबिटिक्स नहीं है मेरा, उसमें ब्लड प्रेशर का थोड़ा प्रॉब्लम है, कभी-कभी हल्का-हल्का है, कभी-कभी उठता है ना उतरता है, यही है। तो ब्लड प्रेशर की दवा तो नहीं खा रहे डॉक्टर से आप? नहीं, बहुत साल पहले लिया था तो नॉर्मल हो गया था, बस उस टाइम पे बंद कर दिया था भाई। ओके ओके। और अभी नींद वगैरह ठीक आती है आपको? हाँ, नींद का कोई मसला नहीं है। ओके। और डाइजेशन में कोई ट्रबल तो नहीं है आपका? जी डाइजेशन में हाजमा वगैरह ठीक है? डाइजेस्ट में प्रॉब्लम है, कोई भी दूध का चीज खाओ तो बाथरूम जाना पड़ता है, कॉफी पी लो बाथरूम जाना पड़ता है, चाय पी लो बाथरूम जाना पड़ता है। ओके ओके, ये आपको इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है। ओके दैट्स फाइन। और ठंडी तो नहीं लगता आपको? और एक चीज और है जी, इसे गैस बहुत आता है, क्योंकि मैं वो लिमो में करते है ना, घर चलाता है। जी जी जी, ऐसा लगता है जैसे गैस बहुत है पेट के अंदर। ओके ओके। और कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता आपको? नहीं नहीं नहीं, बाथरूम का कोई इशू नहीं है, सिर्फ वही खाना पीने के बाद बाथरूम जाना होता है, स्पेशली कॉफी चाय पियो। जी जी ओके ओके ठीक है। तो और आपको ठंडी तो नहीं ज्यादा लगता, हाथों में ठंडी, पैरों में ठंडी लगता है ज्यादा? नहीं नहीं, मेरा असल में 6-7 साल पहले सर्जरी हुआ था पैर पे। ओके। कंपार्टमेंट सिंड्रोम सर्जरी हुआ था, वो तो माशाल्लाह बिस्तर ही है, कोई मसला नहीं। ओके ठीक है ठीक है। तो डिफिकल्टी यही है भाई, वो चाय कॉफी पी नहीं सकते, खाना खाने के बाद बाथरूम जाना होता है जी। और चाय कॉफी पीने के बाद तो बाथरूम ऐसा आता है जैसे जाना ही पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल, ये ना जी शख्स का भी थोड़ा मसला हो रहा है आजकल, क्योंकि लोकेशन कर रहा है जो काफी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है जी। ओके, ये ना तो कौन सा डॉक्टर के पास जाओ किया समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपका याद आया तो मैंने मनी। होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है इस चीज का, अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, स्टेमिना नहीं होता और आपको दिल भी नहीं करता सेक्स की तरफ आने का, या ख्याल भी था जाहिर है अगर भी सेक्स करने का तो माशाल्लाह काफी दिल करता है। ओके ओके। खारा होने का भी कोई मसला नहीं है। ओके, मगर डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता है, ये डिस्चार्ज के लिए तो आपको पता है, फिर जल्दी ठीक है, जल्दी नीचे भी आ जाता है। जी जी ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। तो उसको हम आपको दवाई शुरू करते हैं जो आपका स्टमक भी ठीक होगा, और आपका जो है वो ये जो सेक्सुअल वीकनेस का प्रॉब्लम है, स्टेमिना का, टाइमिंग का, उसके लिए भी। तो मैं एक्सप्लेन करांगा कि मैन हेल्थ वास्ते की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली मैन नु जेड़ा सेक्सुअल वीकनेस होती है और टाइमिंग दा उन्हां नु प्रॉब्लम हो जाता है, उन्हां दा डिज़ायर नहीं होती सेक्सुअल एक्टिविटी करने वास्ते। तो यह सारिया मतलब प्रॉब्लम ने जड़िया, उदे बारे ची मैं तुम्हें दसागा कि उदे बारे होम्योपैथिक हर्बल दवाइया भी दसागा, क्योंकि जनरली जड़ा मैन हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रैस और टेंशन और टू मच वर्क, रेस्ट ना करना, खाने पीने पर ध्यान ना देना, यह सारिया चीज़ा होंदिया ने। इवन यंग बंदे भी जड़े है जो 30s 40s है।